इससे पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं इदगाम, इजहार, इकफा, इकलाब वगैरह और मीम साकिन के कायदे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद अदनान, वेलकम करता हूँ आपका हमारी चैनल टॉकिंग ऑफ इस्लाम में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत और आफियत के साथ होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल एक और न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ, जिसका पार्ट नंबर है 32। पार्ट नंबर है 132। ये 132वां पार्ट है और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये अज़्ज़वजल 132वां पार्ट है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए जो आज की वीडियो हम उसको शुरू कर देते हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी हमारे यहाँ से कोई वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो चले जो आज की वीडियो हम उसको शुरू कर देते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ والخيل المسومة والأنعام والحرث زين للناس। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक चीज जो दिख रही है आपने शायद देखी होगी काफी जगहों पर, लेकिन आपको अभी पता नहीं होगा कि इसको कहते क्या, ये चीज है क्या। ठीक है, ये देखिए, एक इसका भी एक नाम है जिसको कहा जाता है तशदीद। जिस क्या है इसका नाम? तशदीद। तशदीद, अब आपने अगर मदनी कायदा पढ़ा होगा तो मदनी कायदे के लेसन नंबर 13 में, सबक नंबर 13 में इसका पूरा चैप्टर दिया हुआ है। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, आप चैनल को विजिट करें और प्लेलिस्ट में जाए और मदनी कायदे की अहमियत वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह अज़्ज़वजल पूरा मदनी कायदा आपको आसानी के साथ समझने मिल जाएगा। तब भी मैं आपको थोड़ा तो बता देता हूँ जो इसका बेसिक है। इसको कहते हैं तशदीद। जिस सर पर तशदीद आ जाए ना उसे कहते हैं मुशद्दद। उससे क्या कहते हैं? मुशद्दद। और तशदीद वाले हर्फ को दो मरतबा पढ़ेंगे, वो किस तरीके से उसके लिए आप वीडियो देखें। ठीक है, ज़ुय्यिना, ज़ुय्यिना, या को दो मरतबा पढ़ना है। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश्शहवात, हुब्बु, यहाँ पर नून पर भी देखे तशदीद है, बा पर भी तशदीद है, शीन पर भी तशदीद है, आगे भी नून पर तशदीद आ रही है, यानी काफ़ी जगह ये तशदीद एक यानी यूज़फुल है, ज़्यादा ही यूज़फुल ये तशदीद है। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेना बेहतर होगा हमारे लिए। तो नून पर तशदीद आ गई, नून पर तशदीद आने की वजह से इसका हुक्म अलग हो जाता है कि नून और अगर मीम पर तशदीद आ जाए तो नून और मीम मुशद्दद को, जब तशदीद आ गई नून पर तो इसको मुशद्दद कहेंगे। ठीक है, तो नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होगा। ठीक है, लिन्नासि हुब्बुश्शहवात, हुब्बुश्शहवात, बायु हुर्फ कल कलाए, इसका हुक्म क्या है? अगर पता है तो नीचे कमेंट करके बताइए, जब हुर्फ कल कला मुशद्दद तो उन्हें कैसे पढ़ेंगे, और नहीं पता है तो वीडियो जाकर देखिए और फिर कमेंट करके बताए। ठीक है, हुब्बुश्शहवात, हुब्बुश्शहवाति मिनन निसाई वल बनीन। ठीक है, यहाँ पर देखिए नून पर तशदीद आ गई, तशदीद आने की वजह से नून मुशद्दद हो गया, नून मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होगा। मिनन निसाई, यहाँ पर कौन सा मद होगा? यहाँ पर मद होगा मद्य मुत्तसिल। अब ये मद्य मुत्तसिल है क्या? आपने अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा तो सुना ही होगा, लेकिन ये मद्य मुत्तसिल है क्या? मद्य मुत्तसिल मद की टोटल 6 किस्में हैं।
कितनी? छह। मध्य मुत्तसिल, मध्य मुनफसिल, मध्य लाजिम, मध्य लिन लाजिम, मध्य आरिज, मध्य लिन आरिज, ये टोटल सिक्स किस्में हैं। ठीक है, सिक्स्थ किस्में हैं। तो अब इनमें से पहली जो किस्म है वो मध्य मुत्तसिल है। मध्य मुत्तसिल किसे कहते हैं? हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलिमे में, हुरूफ मद्दा यहाँ पर कौन सा? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा ये हुरूफ मद्दा में से, हुरूफ मद्दा तीन है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। तो यहाँ पर अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा के बाद हमजा इसी कलिमे में, तो यहाँ पर मध्य मुत्तसिल। सिंपल, इट इज सिंपल। वल बनीना, वल बनीना। हाँ देखिए, अब इसको एक चीज़ में बताना भूल गया, यहाँ पर हमें दो ढाई या चार या पांच, दो ढाई या चार अलिफ खींच कर पढ़ना है। ठीक है, वल बनीना, वल बनीना, वल कोना तीरी, वल कोना तीरी, ये तो को पूर्व पढ़ना है। ठीक है, वल कोना तीरिल मुकंतरती मिनज़हबी वल फिद्दती, वल फिद्दती। दौद पर तशदीद है तो दौद को भी दो मरतबा पढ़ना है और दौद को पूर्व भी पढ़ना है। वल खैलिल, वल खैलिल मुसव्वमती, मुसव्वमती। वल अनआमी वल हर्स, वल अनआमी वल हर्स। ذلك متاع الحياة الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، والله अल्लाह के नाम को यहाँ पर पूर्व पढ़ना है। ठीक है, अल्लाह के नाम को किस तरीके से पढ़ना है? अल्लाह के नाम को पूर्व पढ़ना है, क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले अगर हर्फ पर जबर या पेश आ जाए तो अल्लाह के नाम को पूर्व पढ़ेंगे और यहाँ पर जबर आ गया। عنده حسن المآب، عنده حسن المآب، قل أنبئكم، أنبئكم، यहाँ पर झटका नहीं देना है। أنبئكم، قل أنبئكم، 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 ठीक है, قل أنبئكم بخير من ذلكم، यहाँ पर ميم ساكن के बाद बा आ गया, बा आने की वजह से यहाँ पर क्या होगा पता है आपको? तो नीचे जल्दी कमेंट कीजिए, एक दो तीन चार पाँच छः कर दिया कमेंट आपने। ठीक है, यहाँ पर कौन वहाँ गिनती लगा, इससे अच्छा मैं ही बोल दूँ। चले, यहाँ पर कितने हो गए? हाँ, छः की गिनती हो गई, इन शायद आपने लिख दिया होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, मीम साकिन के बाद बाने की वजह से यहाँ पर इकफाए शफी होगा। ठीक है, कौन सा कायदा होगा? इकफाए शफवी। बेखैरिम, यहाँ पर तनवीन के बाद मीम आ गया, मीम आने की वजह से यहाँ पर कौन सा होगा कायदा? इदगाम का, इदगाम। ठीक है, इदगाम नहीं जानते तो जाइए मदनी कायदे के सब पार्ट देख लीजिए, या फिर इससे पहले वाले भी वीडियोस देखेंगे तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से बता दिया गया है। मियाँ ज़ालिकुम, मियाँ ज़ालिकुम, मियाँ यहाँ पर नून साकिन के बाद ज़ाल आने की वजह से यहाँ पर इकफा होगा। लिल्लज़ीना तक़ौ, लिल्लज़ीना तक़ौ इंद रब्बिहिम, इंद रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, जन्नातुन तजरी, जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा, खालिदीन फीहा व अज़वाजुम मुतहरतुम व रिदवानुम मिनल्लाह व अज़वाजुम। यहाँ पर दो 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 पेश की तनवीन के बाद क्या आ गया? मीम आ गया, मीम आने की वजह से यहाँ पर इदगाम होगा। मुतहरतुम व रिदवानुम मिनल्लाह, वरिदवानुम मिनल्लाह, वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को क्या करना है? लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल पर क्लिक करके ऑन कर देना है। ठीक है, और एक चीज़ और, इंस्टाग्राम अकाउंट तो मैं भूल ही गया, इंस्टाग्राम अकाउंट को भी जाके फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी गई है, और अगर आप सर्च करेंगे टॉकिंग ऑफ इस्लाम तो वहाँ पर ही हमारा जो लोगो है वही लोगो आपको वहाँ पर दिख जाएगा। वहाँ जाइए, वहाँ आईडी को फॉलो कीजिए और बस आपकी मर्ज़ी, फिर आगे चले मिलते अगली वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम।